Assalamualaikum दोस्तों, आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जॉब गाइड सॉल्यूशन YouTube चैनल पे। तो साथियों, आज की वीडियो में कतर से बड़ी बड़ी खबरें लेकर आया हूं। भाइयों, जैसा कि आप लोगों सभी जानते होंगे कि ईद उल अजहा का ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया जा चुका है सभी कंट्रियों में, कतर में भी किया जा चुका है। 16 जून 2024 को ईद उल अजहा की पहली ईद मनाई जाएगी। दोस्तों, ईद उल अजहा 3 दिनों का होता है जैसा कि आप जानते होंगे। तो पहली जो ईद होगी वो 16 जून 2024 को होगी, वहीं पे एशियाई कंट्री में 17 जून 2024 को होगी। ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया जा चुका है इंडियन एम्बेसी की तरफ से। दोस्तों, इसी के रिलेटेड एक अनाउंसमेंट किया गया। दोस्तों, खबरों को यहां पे पढ़िए जैसा कि मैं आपके सामने स्क्रीन पे शो कर रहा हूं। एम्बेसी ऑफ इंडिया दोहा विल बी रिमेन क्लोज ऑन 16 जून 2024 ऑन द ऑकेशन ऑफ ईद उल दोहा। भाई, यदि आप इंडियन वर्कर हो, इंडियन प्रवासी हो, यदि कोई भी आपका काम था इंडियन एम्बेसी आप जाने वाले थे, तो 16 जून 2024 को जिस दिन ईद उल अजहा सेलिब्रेट किया जाएगा उस दिन साथियों एम्बेसी आपको बंद मिलेगी, इसलिए उस दिन आपको नहीं जाना है। 17 जून 2024 को आपको एम्बेसी जो है वो खुलेगी। तो भाइयों, आप लोग जो भी इंडियन कम्युनिटी के लोग हो, आप लोग यदि जाने के बारे में सोच रहे थे 16 तारीख को छुट्टी के दिन, तो बिल्कुल भी भाई मत जाइएगा। एम्बेसी उस दिन पूरी तरह से आपको क्लोज मिलेगा, 17 जून 2024 से फिर से ये ओपन हो जाएगा। वहीं पे साथियों, ईद को लेकर और भी कुछ अनाउंसमेंट की गई है। भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, ईद में बहुत सारे मस्जिदों में, ईदगाहों में, मैदानों में नमाज होता है। तो दोस्तों, मस्जिद का एक डाटा दिया गया है। कतर में यदि आप रहते हो तो मस्जिद में नमाज लगभग 650 मस्जिदों को चुना गया है जहां पे ईद उल अजहा की नमाज अदा की जाएगी। जी हाँ, 650 मस्जिदों को, यहाँ पे दोस्तों खबरों को पढ़िए, ओवर 650 मॉस्क एंड प्रेयर ग्राउंड टू होस्ट ईद उल अजहा प्रेयर। तो यदि आप लोग ईद की नमाज पढ़ना चाहते हो तो इन सबको भी मस्जिदों में जाके दोस्तों पढ़ सकते हो। मैं सभी का नाम नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। 650 नाम दोस्तों बहुत सारा होता है, आप गूगल में जाके सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। दोस्तों, ईद के रिलेटेड एक खबर मैं आपको और बता दे रहा हूँ। साथियों, जसीम बिन हमद स्टेडियम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही बड़ा स्टेडियम है, बहुत ही खूबसूरत स्टेडियम है। यदि आप जसीम बिन अहमद स्टेडियम में घुसना चाहते हो, देखना चाहते हो फ्री में बिल्कुल, तो आपके पास बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। ईद के दिन आप जाकर देख सकते हो, क्योंकि ईद उल अजहा 2024 का नमाज जो है जसीम बिन हमद स्टेडियम में दोस्तों अदा करवाई जाएंगी 16 जून 2024 को 4:58 में। दोस्तों, जमात खड़ी हो जाएगी। तो भाइयों, आप लोग जो भी कतर में मौजूद हो, जसीम बिन हमद स्टेडियम के आसपास भी यदि रहते हो, यदि आप लोगों ने स्टेडियम को नहीं देखा है कभी अंदर से जाके, तो आपके पास बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। अंदर से जाके आप मस्जिद को देख सकते हो, काफी खूबसूरत दोस्तों, ये स्टेडियम है, जाकर आप देख सकते हो। अगली जो अपडेट आ रही साथियों, वो आ रही एग्जीबिशन को लेकर शोक वाकिफ में। भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इंडिया का पाकिस्तान का आम, कतर में लोग खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं, सबसे टॉप पर दोस्तों इंडिया का आम है। मैंने आपको बताया था एक लगभग 2-4 दिन पहले कि सिर्फ एक हफ्ता के अंदर 60,000 किलो से भी ज्यादा जो भारतीय जो आम है वहां पे बिक चुका है। तो साथियों, शोक वाकिफ में भी पाकिस्तानी आम का एग्जीबिशन लगाया गया है। तो यदि आप पाकिस्तान के हो या फिर पाकिस्तानी आम के खाने के शौकीन हो, तो शोक वाकिफ आप चले जाइए, वहां पे इसका एग्जीबिशन लगा हुआ है। यदि आम खाने के शौकीन रखते हो अलग अलग वैरायटी के, तो वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, छोटी सी खबरें थी, अपडेट्स थी जो कि कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे। जहीन अल्लाह हाफिज, टेक केयर।